अपन के साथ जितेंद्र नेगी मेहरगांव तल्ला से। स्वागत करते हैं आप जल महा स्टेडियम क्रिकेट क्लब से। फाइनल चलता हुआ एक बार फिर से भरत सिंह राठौर ओवर द विकेट, ये बॉल और खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ से। क्षेत्र रक्षण बहुत दूर से गए लेकिन पर ग्वाला की तरफ वीली हो रखी है। भरत सिंह एक बार फिर बहुत बढ़िया बॉल और इसको खेल दिया लॉन्ग ऑन मिड विकेट और ऊपर से 6 रन। मलना चौंडी की तरफ से धीरू भाई की टीम ग्राम बड़ेदा से बरस एक बार चले फुल टॉस बॉल, बहुत ही बेहतरीन बॉल थी लेकिन फुल टॉस बनाकर खेला बैट्समैन और 6 रन, और इस 6 रन से स्कोर पहुंचा हुआ 17 रन। तूफान क्लब बड़ेदा क्लब से आशीष एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 कदमों का रना, बहुत बढ़िया शॉट स्क्वायर खेला इस बार मिडल के पार, एक रन पूरा किया आसानी से, दूसरे रन के लिए भागे हैं, दूसरा रन भी पूरा कर दिया। छोटू भाई बहुत ही एक्सपीरियंस एम्पायर लगे हैं जजड़ा की ओर से, आसी चले और इसको खेल दिया मिडोब के ऊपर से। वहां पे फील्डर सुब्बी ने इसको उठाया, इस एक रन से स्कोर हो गया 23 रन। बॉल तूफान कला बरा सिंह बड़ा था क्या ओर से, बहुत ही सुंदर बॉल इसको उठा के खेला है बरा सिंह की बॉल पे, यहाँ पे कैच ड्रॉ हुआ है। इस अगली बॉल बरा सिंह के द्वारा बहुत ही बेहतरीन बॉल मिडल में खेला बैट्समैन है, कोई मौका नहीं फील्डर के पास और गेंद 4 रन के लिए। अपने क्वार्टर का दूसरा ओवर यानी कि अंतिम ओवर, ये बॉल बहुत बढ़िया बॉल लेकिन इसका हवा में खेल दिया है गेंद बाउंड्री रन की तरफ, एम्पायर का इशारा 6 रन। इन 6 रनों से स्कोर पहुंचा हुआ 34 बिना कोई नुकसान के। तीसरा ओवर अभी भी प्रगति पर तूफान क्लब पड़ा था की ओर से, माफ कीजिएगा 35 रन। एक बार फिर बरा सिंह और इसको एक बार फिर खेल दिया है हवा में, वहां पे सुपर फील्डर मौजूद और यह बदरपुर का बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बदरपुर का यह पहला विकेट आउट। चौथा ओवर चलता हुआ इनिंग का, बहुत बढ़िया बॉल आशीष की और सूरज ने इसको खेल दिया है हल्के हाथों से मिडोप पे। जब तक फील्ड करते हैं कप्तान स्वयं विवेक और सुबी तब तक बैट्समैन सूरज। झल महादेव स्टेडियम एक बार फिर से आशीष चल, बहुत ही सुंदर हल्के हाथों से कलाई का इस्तेमाल किया सूरज ने और नाम पूछ लग रहा है। चल एक बार आशीष, बहुत ही सुंदर बॉल ओवर बीच बॉल थी है, इसको तो मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया है बैट्समैन और एम्पायर के सारा 6 रन। टोटल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन। तेजी से उठाया है बॉलर थ्रो में, सौरभ ने इसको कैच किया अपने हाथों कप। तूफान क्लब बड़ेदा की ओर से परिवर्तन के तौर पे लाए गए थे, एक विकेट लिया उन्होंने अगली बॉल और इसको हवा में खेल दिया है सूरज ने, वहां पे फील्डर मौजूद लेकिन कैच ड्रॉ। जगत सिंह न्यू बैट्समैन ऑन द राइज बॉल लॉन्ग में खेला, वहां पे बरा सिंह फील्डर मौजूद थे, उन्होंने फील्ड रक्षण किया। इस एक रन से स्कोर पहुंचा हुआ 50, 5 ओवर के पास, माफ कीजिएगा 49 विद लॉस्ट एंड बैट्समैन जगत अब सामना करेंगे उनका कल। 1 2 3 4 5 6 7 कदमों का रन, अब पटकी हुई बॉल थी इसको खेल दिया मिडन के ऊपर से, बहुत ही सुंदर शॉट 6 रन के लिए। अबे बे 55 लॉस ऑफ टॉप विकेट, चले कालू बहुत ही सुंदर शॉट इसको खेल दिया है, एक बार फिर गेंद गई दर्शकों के ऊपर 6 रन के लिए। तेज तरार धार है सूरज बैट्समैन, एक बार फिर सूरज ने खेला इस बॉल, गेंद गई
फील्डर भरत के आसानी से पूरा किया है। इस एक रन से स्कोर पहुंचा हुआ 63, 6 ओवर की समाप्ति। सौरभ एक बार फिर तूफान क्लब बढ़ता की ओर से अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे सूरज, और बहुत ही खराब गेंद इसको कहा जा सकता है, शॉर्ट पिच। एक बार फिर चले सौरभ तूफान क्लब बढ़ता की ओर से, और इस बार ओवर में घेरा है गेंद, फिर खराब गेंद, दो गेंदों पर दो छक्के। बॉलर सौरभ चलते हुए और इस बार हवा में खड़ी कर दी है सौरभ, सूरज ने वहां पे फील्डर मौजूद, सौरभ खुद कैप्टन बोल्ड हुए, दो छक्के 22 पे पहुंचे हैं। पंकज चले और इस बार बहुत ही बेहतरीन बॉल थी, यॉर्कर लेंथ गेंद थी, बैट्समैन जगत समझ योगदान दिया। सामना करेंगे बहुत ही बढ़िया बॉल पंकज की, लगातार दूसरा विकेट ऑन हैट्रिक ऑन रन के साथ चलते हुए 4 विकेट। पंकज सिंह चलते हुए धीरू भाई ने एक बार फिर कैप्टन बॉल, कैप्टन से पहली पारी का सामना करेंगे संभो, बहुत बढ़िया बॉल और ये भी आउट ऑफ हैट्रिक। लगातार पंकज ने 4 विकेट लिए हैं, हालांकि रन स्कोर 8 ओवर में 91। पहली बॉल लेकर यहां पे आए हैं दक्षवाड़, और गेंद को खेल दिया है पंकज ने, शॉर्ट रन बॉजी लग स्टंप पे के तूफान क्लब बढ़ता की ओर से लक्ष्मण एक बार फिर राइट स्टंप राउंड द विकेट से, और इसको हवा में खेल दिया है, और ये आसान लक्ष्मण की अगली बॉल, और इस गेंद को आसानी से कलाएं का इस्तेमाल करते हुए लग स्टंप पे खेला इस एक रन से 9-10। ये 10 रन का कदम और इसको खेल दिया है बैट्समैन पंकज ने, गेंद जाते स्क्वायर मिड विकेट के ऊपर से, वहां पे जगत ने काफी अच्छा कैच पकड़ा। संभव था लास्ट बॉल दूसरे ओवर के चला स्नार जनार्दन के लिए, इस बार फिर से खेल दिया है मिड विकेट ऑन के तरफ से, इसे एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। धीरे धीरे लड़खड़ा रही है धीरू, सूरज भाई चले बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत बढ़िया बॉल, एम्पायर का इशारा वन बाउंड, मैन को भगा नहीं सकता। लेकिन धीरू भाई एक बार फिर सामना कर रहे थे कलम सिंह, धीरू भाई कोटे का चौथा ओवर, पारी का चौथा ओवर, अपना दूसरा ओवर, यहां पर भरत सिंह बोल्ड चौथा ओवर किए अपने बॉलर छोड़ पे, ये बहुत ही बढ़िया बॉल, और खेल दिया है युवराज सिंह सुब्बी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन के लिए। राइट आर्म राउंड द विकेट से चले युवराज सिंह के लिए, और इस बार खेल दिया है गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से, जब तक फील्ड करते हैं वहां पे फील्डर, काफी बढ़िया बॉलिंग और बैटिंग अभी भी कहा जा सकता है। इसको एक बार और से खेल दिया है मिड विकेट ऑन की तरफ से, वहां पे फील्ड किया जब रन आउट का खतरा है, वही बॉल डाली थी लक्ष्मण ने, काफी अनुभवी बॉलर हैं वो, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन टीम। एक बार फिर से चला टिंके, बहुत ही बेहतरीन बॉल, और यहां पे बहुत ही बढ़िया रन रेट चलता हुआ 13 का, कैप्टन गए हैं वहां पे विवेक, और विवेक ने बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है, अपने कंधों पे दारोमदार लिया है, गए छठे नंबर पर खेलने के लिए, और इस शॉर्ट ऑफ लेन बॉल का इस्तेमाल करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया उन्होंने 6 रनों के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट थी। स्कोर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 47 लॉस, लास्ट ओवर है नहीं बनने वाले, रन अभी भी 40 रन चाहिए, लास्ट ओवर 8वां ओवर है, लेकिन अब रन कहां बनेंगे, विकेट तो है अभी हाथ में लेकिन बॉल नहीं है अभी भी, एम्पायर का सारे 6 रन, दूसरा रन से जीत चुके हैं, और सैली
हीरो भाई ओए राहुल ओए सूरज सूरज हीरो भाई इन्होंने बहुत ही बहुत बढ़िया बैटिंग की बॉलिंग की आपने ये मैच का मजा रहा धीरू भाई कैप्टन।